Have a seat. Thank you, sir. So, what's your name? Sir, I'm Shubham. Shubha Zaid Khan. Okay. So, what's your favorite subject? Sir, my favorite subject is science. अच्छा आप डॉक्टर के अलावा क्या बनना चाहेंगे अगर आपको ऑप्शन दे तो? सर ऐसा कुछ अभी मैंने सोचा नहीं है, मतलब जो भी कुछ है अभी तक मेरे दिमाग में सिर्फ डॉक्टर है। तो अगर डॉक्टर ये ऑप्शन ना मिले आपको तो आगे क्या चाहेंगे कि अगर डॉक्टर नहीं है, हमारी सीट नहीं हो पाया या नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाई आप, तो फिर क्या करेंगे आप? डॉक्टर के अलावा कोई तो एक प्लान भी बनाया होगा आपने। ओके टीचर। टीचर व्हाई टीचर? टीचर ही क्यों? अच्छा आप ये अगर रिफ्लेक्शन जानती है तो ये आपके सामने नहीं, ये ब्लू पेन है ना, ये ब्लू पेन है, तो आप ये क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं ये ब्लू क्यों दिख रहा है? सर लाइट जा रही है पेन पे, उसके तो रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके हमारी आंखों तक रही तो सर उसकी वजह से वो हमें नजर आ रहा है। ओके 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 शिफा मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई यू वांट टू स्टडी इन एमयू? सर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से एक आपको हेल्प करती होगी कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हमेशा टॉप 5 में रहती है। माहौल सर गर्ल्स के लिए काफी सेफ जोन है यहाँ पे। चलिए आप एक फिजिक्स का सवाल है, शायद आपने सुना हो, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकती हैं? नॉन ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देयर ओन लाइट। ओके ओके तो सन और मून में कौन ल्यूमिनस है? सन ऑफ कोर्स। ओके बिल्कुल सही सही। अच्छा अरे शिफा आप मुझे एक बात बताइए, लैंग्वेज में आपके कितने मार्क्स थे? अच्छा आप अपना नेम और अपनी मदर का नेम लिख के लिखेंगे उर्दू में? आप घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से ना अपना नाम और मदर का नाम उर्दू में लिख के लिखेंगे ना। राइटिंग भी आपकी उर्दू की माशाल्लाह बहुत अच्छी है। Bipin Chaudhary would drop in at Kalli Charan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time. Okay, 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 Shifa, good, good. Thank you. Aap ja sakte ho. Okay, Shifa, you may go now. Thank you, sir. Welcome. Allah Hafiz.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा। इंटरव्यू का वीडियो बहुत शॉर्ट चलता है ना, शायद इसके 5 मिनट चले गए हो, इतना भी नहीं। वो डिपेंड करता है, कभी कभी किसी बच्चों को तो सिर्फ नाम पूछ के उनका कॉन्फिडेंस लेवल, नाम पूछने में घबरा रहे हैं या कैसे एंट्री हो रही है, उनकी फिजिकल अपेयरेंस को देख के वो जज कर लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी पहले से मार्क्स होते हैं ना, जो इंटरव्यूअर होता है उनके पास मार्क्स होते हैं कि बच्चे के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, है ना, और वो लैग कर गया इंटरव्यू के पहले स्टार्टिंग में नाम वाम बताने में ही, ठीक है, घबरा गया उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, तो उसको उतने में भगा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कम चांसेस है उसके सिलेक्शन होने का। तो थोड़ा सा अपना स्टार्टिंग में ही कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम बिल्डअप करके चलना होता है। जैसे इस लड़की के देखेंगे आप, थोड़ी कॉन्फिडेंस कम था, आवाज़ उतनी अच्छे से नहीं निकल पा रही थी, और थोड़ा बहुत जब रीडिंग कर रही थी तो उस वक्त उस ट्रैगर थोड़ा घबरा गई थी। तो कोई नहीं, है ना, अपन बस एक आपको सैंपल दिखाना चाह रहे थे कि देखो वीडियोस में कैसे होते हैं इंटरव्यू ना। हम लोग दो पैनलिस्ट बैठे हुए थे यहाँ पे, इंटरव्यूअर जो कहेंगे आप, है ना, यूजुअली वहाँ पे ना 7 से 8 इंटरव्यूअर होते हैं, और बेसिकली वो ना डिफरेंट स्कूल्स, जो हमारे स्कूल्स है ना उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, और 2-3 और भी साइड में बैठे होते हैं। तो बहुत अगर आप काउंट करेंगे तो 7-8 होंगे, जिनमें से कोई 2 या 3 ही बंदा आपसे सवाल पूछेगा, बाकी लोग आपको एनालाइज कर रहे होंगे ना, आपको मार्क्स दे रहे होंगे कि इसको 15 में से कितने मार्क्स देखने हैं। ऑलरेडी मैं पहले बता रखा हूँ कि मिनिमम 6 मार्क्स आपको लाना इंटरव्यू में जरूरी है, तब आप आगे के काम में आपका नाम आने के चांसेस है आगे की लिस्ट में ना। तो इसका एक खास बात आप इस लड़की को देखेंगे तो इसके मार्क्स जो रिटन में थे वो 73 थे। अगर इसका इंटरव्यू खराब भी जाता तो इसका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन इंटरव्यू इसका ओवरऑल खराब नहीं गया, अच्छा गया। उसमें भी इसके मार्क्स आने के बाद इसके 6th रैंक आई है। वैसे इसके रिटन में मार्क्स अच्छे होने की वजह से 6th रैंक आने का ज्यादा चांसेस है, यानी रिटन में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं इंटरव्यू में 6-7 मार्क्स यूजुअली ऐसे दे देते हैं। अब आपने जवाब भी अच्छा दिया, सब्जेक्ट का नॉलेज इसका बहुत अच्छा था, ठीक है, तो उसके वजह से इसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ना किसी सवाल को ना आता हो, शायद उसको एक सवाल का भी काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो उसको आप जवाब में नहीं, मतलब इधर उधर के जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं पता तो डायरेक्ट बोल दो सर आई डोंट नो द आंसर, है ना, मुझे नहीं पता है, मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है ना, वगैरह चीज़ें। और जब भी वो टीचर बोले बोल रहा हो या सवाल पूछ रहा हो इंटरव्यूअर, तो उसको इंटरप्ट नहीं करने का, रोक नहीं देने का, बीच में पहले पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो बेस्ट लैंग्वेज लगे ना, बेस्ट लैंग्वेज लगे, इसमें अपना इसने हिंदी चूज किया, आप हिंदी या कभी कभी इंग्लिश मिक्स, जैसे कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी में आके यहाँ पे भाषण देनी है दोस्त। टीचर अगर आपसे अंग्रेजी में पूछ रहा है तो उसको आपको हिंदी आता है तो हिंदी में ही जवाब दो, जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश पूछ रहा है तो इंग्लिश में जवाब देना, आप अपनी प्रिफर्ड लैंग्वेज के हिसाब से बात करो। यहाँ पर हम लोगों ने ज्यादातर सवाल कवर करने की कोशिश नहीं की है, मैं आपको लिस्ट दे रखा हूँ ऑलरेडी, आपको पहले डिस्क्रिप्शन में दिख चुका होगा, है ना, कि कौन कौन से सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं ना। ये 9th इंटरेस्ट की बच्ची थी ना, जिसकी रैंक 6 आई थी, 73 मार्क्स था, ठीक है। एक खास बात, इसने कोचिंग किया था तो शायद जाके 73 मार्क्स आया था, बिना कोचिंग किए भी एक बच्ची है, उसका इंटरव्यू सेकंड सैंपल में आपको दिख जाएगा, अभी नेक्स्ट सैंपल वीडियो भी डलेगा आपके साथ इंशाल्लाह। और कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियस बात चेक किया जाता है, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा रखिएगा आप लोग, है ना। अगर आप इस बात को एनालाइज करें थोड़ा सा इसके वीडियो में, है ना, शिफा के खास बात में, तो इसने जब फेवरेट सब्जेक्ट इससे पूछा गया तो इसने साइंस बताया। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ना साइंस को लेकर खासकर, क्योंकि वो अपने कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के हिसाब से पढ़े होते हैं। तो उनसे जो जवाब आता है जो इंटरव्यूअर होते हैं कि आपके 8th क्लास के लेवल में कहीं पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो करके तो कुछ नहीं है, तो आपने कैसे इसको फेवरेट सब्जेक्ट बोल रखा है। तो इसलिए 8th तक के लेवल में आप एटलीस्ट साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज जो भी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उस सब्जेक्ट के हिसाब से बात करेंगे तो एक अच्छा जवाब होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये कि ना जब आप इंटरव्यू के दिन जाते हैं तो आपका इंटरव्यू जो होता है बेसिकली ना गर्ल्स वालों के लिए, है ना, GHS में होता है, तो भी उसका डेट सब लिस्ट आ जाएगी कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। जब आप GHS में जाएंगे ना तो एक रूम आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रखा जाएगा ना, जहाँ पे आप पहले डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, वहाँ पे आपके पेरेंट्स को होना जरूरी है ना, आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगते हैं वो, तो आप अपने पेरेंट्स का जो भी आधार कार्ड है, जो भी उनकी आइडेंटिटी है, और आपके अपने जो जो यूजुअल डॉक्यूमेंट्स है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी पहले वीडियोज में बता रखा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ना, वो डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएंगे आप लोग, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट, है ना। अगर आप 6th इंट्रेंस के लिए हैं तो 5th का मार्कशीट, अगर आप 9th इंट्रेंस के लिए हैं तो आपका 8th क्लास का मार्कशीट ना वो जरूरी है। 7th अगर आपने अपलोड किया है 7th क्लास की मार्कशीट तो वो भी साथ में लेके जाएंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल रखेंगे। उसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो सेम फिर आपको लेके जाएंगे दूसरे रूम में, बाहर आपको वेट करना पड़ेगा, बेल बजेगी, बेल बजने से आपको फिर बाहर वाला जो बंदा है वो आपको अंदर, प्यून जो भी होंगे वो आपको अंदर भेजेंगे कि जाइए आप अपना इंटरव्यू दीजिए ना। वो बहुत जल्दीबाजी में रहेंगे आपको कि जाओ बेटा जल्दी जाओ, तो घबराना नहीं है ना, बिंदास आराम से पानी वानी पी के जाइएगा, है ना। ये आपको ऐसा नहीं कि सामने वाला बंदा आपको खाने जा रहा है, आपको वैसे समझना है कि बस मेरा एक लाइफ का पढ़ाव है, इसको बस पार करके मेरे को आ जाना है, और बी नेचुरल जो आप है वही अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि
एक कोई बनावटी बनने का नहीं है ना कि खामो खा जो पूछा जा रहा है उसको ज्यादा दाया बाया लेके घुमा के ले जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट आंसर शॉर्ट आंसर देना वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ ये बच्ची के बारे में बता दूँ, ये लोग अभी 10th क्लास में आ गए हैं क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू एग्जाम आपके बहुत लेट हो रहा है, बड़ा वैल्यूएबल टाइम निकाल के आप हमारे पास, इन लोगों ने अपना टाइम दिया है इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ शिफा का जिसने अपना टाइम निकाल के मेरे को इस इंटरव्यू के लिए मौका दिया और रिकॉर्ड किया, और आप लोगों के लिए भी कम से कम इस बच्ची के लिए एक लाइक तो बनता है कि कम से कम आप ना इसको लाइक से एक अप्रिसिएशन मिल सकता है, कमेंट कर सकते हैं कि जैसा भी आपको लगे कुछ इम्प्रूवमेंट का, तो अपने पार्ट में जितना हो सकता है दोस्त हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जो जो पॉइंट्स बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते रहें, है ना। दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।